दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम और गुजरात में विधानसभा के चुनाव के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी और गुजरात में अपनी हार के डर से बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को मारने की साजिश रच है। मनीष सिसोदिया का यह बयान तब आया जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और जनता केजरीवाल से नाराज हैं। मनोज तिवारी के ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी अपने गुंडों से खुलेआम मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और उन्होंने इसकी योजना भी बना ली है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने बयान भी जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम धमकियों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा दोनों जगहों दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रहे भारी जनसमर्थन से भयभीत है। भारी जनादेश के साथ चुने गए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दे रही है। ये दिल्ली और देश की जनता का अपमान है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को बीजेपी की धमकी से साफ है कि उसे लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और धमकी देने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। और ये बड़ी खबर, राजस्थान में और बड़ी तकरार। सचिन पायलट ने कर डाली बड़ी मांग, कहा गुप्त मतदान के जरिए हो मुख्यमंत्री का फैसला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का मसला हल हो गया है, मगर राजस्थान की रार का अब तक कोई भी समाधान नहीं मिल पाया है। कांग्रेस में राजस्थान का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का मामला और भी उलझता जा रहा है। राजस्थान में जारी कलह के बीच सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में तस्वीर सामने आते ही एक बार फिर से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर खुलेआम सीआईसी हमला कर दिया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है। अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया है कि सचिन पायलट के पास में केवल 10 विधायकों का ही समर्थन है। इस बीच सचिन पायलट ने भी कांग्रेस आलाकमान से मांग कर दी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला अब गुप्त मतदान के जरिए किया जाए। सूत्रों के मुताबिक ताजा घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि अशोक गहलोत द्वारा कभी 10 तो कभी 20 विधायकों के समर्थन की बात सामने आती है, मेरा ध्यान ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को खुली चुनौती दी है और कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला गुप्त मतदान के जरिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों की गुप्त राय ली जाए, उसमें अशोक गहलोत को समर्थन नहीं मिलेगा। सचिन पायलट ने दावा कर दिया है कि अशोक गहलोत के हटने से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को कोई भी खतरा नहीं होगा। सचिन पायलट का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दबाव के चलते विधायक सामने नहीं आ पा रहे। राजस्थान कांग्रेस के विधायक अगला चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसीलिए गुप्त मतदान से फैसला हो। सचिन पायलट ने गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद गुप्त मतदान की मांग कर डाली है। और बड़ी खबर, केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले एक दिन के लिए सीबीआई और ईडी मुझे सौंप दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में होगी। ये आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है। चुनावों में जीत के लिए हर दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी सत्ता में है और इस बार वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए सीबीआई और ईडी मुझे सौंप दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में होगी। केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 सालों में एमसीडी को 1,00,000 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन ये लोग सारा पैसा खा गए। ये लोग बहुत पैसा खाते हैं, यदि लोग थोड़ा भी काम करते तो कर्मचारियों को सैलरी मिल जाती। सत्येंद्र जैन से जुड़े सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि एक दिन के लिए सीबीआई और ईडी मुझे सौंप दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में होगी। इनके पास जांच एजेंसियां हैं, हमारे ऊपर इतने केस किए फिर भी कुछ भी साबित नहीं कर पाए। ये लोग सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी कहते हैं। वे कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया है, 10 करोड़ रुपए खा गया है, इतने छापे मारे मिला कुछ भी नहीं, तो फिर 10 करोड़ रुपए कहां चले गए। मोरबी पुल हादसे पर बीजेपी को घेरते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये लोग असली भ्रष्टाचारी हैं। गुजरात में इन्होंने घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। हमें सिर्फ एक दिन के लिए ईडी और सीबीआई सौंप दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में होगी।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की एंट्री से पहले राजस्थान में मचा बवाल, अब कांग्रेस को जोड़ना होगी बड़ी चुनौती, आर पार के मूड में सचिन पायलट और अशोक गहलोत। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान कांग्रेस में संकट और ज्यादा गहरा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया। सचिन पायलट ने भी जवाबी हमला कर दिया। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री के साथ ही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब पार्टी को जोड़ने की होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। सचिन पायलट पड़ोसी मध्य प्रदेश में गुरुवार को ऐसे समय में इस यात्रा में शामिल हुए हैं जब यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले इस कांग्रेस शासित राज्य में नेतृत्व में बदलाव की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम को लेकर अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब सचिन पायलट भी खुलकर सामने आ गए हैं। सचिन पायलट ने आला कमान से मांग की है कि अगले मुख्यमंत्री का फैसला गुप्त मतदान से हो। आपको बता दें कि फिलहाल सचिन पायलट ने गुप्त मतदान के जरिए राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री चुनने की आला कमान से अपील की है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा, ऐसा सपना देखने वाले कर रहे बड़ी भूल, इसमें नहीं हो सकता बदलाव। ये आपको बता दें कि चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इस मामले को हवा देने का काम कर दिया है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ किया है कि जिन लोगों को लग रहा है कि सरकार ने CAA को ठंडे बस्ते में डाल दिया है तो वो गलत है, लोग इसे लेकर कंफ्यूजन में आ रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून एक वास्तविकता है और इस देश का कानून है, इसे लागू नहीं होने को लेकर सपना देखने वाले भूल कर रहे हैं। गृह मंत्री ने CAA को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कहा कि हमें इसे लेकर नियम बनाने हैं, कोरोना के चलते ये लागू नहीं हो पाया था लेकिन अब कोरोना खत्म हो रहा है, अब इस पर काम होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने पहली बार यह कहा हो, इससे पहले भी अपने कई में अमित शाह नागरिकता कानून को लागू करने का जिक्र कर चुके हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले काम बहुत हुए अब लंबी छलांग का वक्त। पीएम मोदी ने गुजरात में की ताबड़तोड़ 4 रैलियां। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ताबड़तोड़ 4 चुनावी रैलियां की। बनासकांठा जिले के पालनपुर में उन्होंने कहा कि काम बहुत हुए लेकिन अब समय लंबी छलांग का है। ये चुनाव इसके लिए नहीं है कि कौन विधायक बनेगा और किसकी सरकार बनेगी, ये चुनाव अगले 25 सालों के लिए गुजरात का भविष्य तय करने को लेकर है। एक मजबूत सरकार बनाने के लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए, आप लोगों को मुझे अपनी समस्याएं बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहीं पर पला बड़ा हूं और मुद्दों को अच्छे तरीके से समझता हूं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि बनासकांठा जिले की सभी सीटों पर भाजपा की जीत को सुनिश्चित करें। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात सरकार बनासकांठा और आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पर्यटन, पर्यावरण, जल और मवेशी पालन के साथ ही पोषण से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में हम जल और बिजली की कमी से संबंधित संकट को दूर करने में सफल रहे हैं। आज के 20 से 25 साल के युवाओं को पता नहीं होगा कि कुछ दशक पहले स्थितियां कितनी खराब थीं। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये पार्टी बांटो और राज करो की नीति पर विश्वास करती है और इसका सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि कैसे सत्ता हासिल की जाए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास को हमें फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास को सुधार कर उसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता। इतिहासकारों और छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों में 150 साल से ज्यादा शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाली 300 से अधिक विभूतियों पर शोध कर सच्चा इतिहास लिखना चाहिए। उन्होंने कहा
कि मुझे अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ये आरोप सच भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने से कौन रोक सकता है? अब हमें सच्चा इतिहास लिखने से कौन रोक सकता है? शाह ने इतिहासकारों और छात्रों से कहा कि उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में 150 साल से ज्यादा शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाली 300 से अधिक विभूतियों पर शोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे नया और सही इतिहास सामने आएगा और असत्य अपने आप ही इतिहास से अलग हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट ने एक बार फिर अशोक गहलोत पर बोला बड़ा हमला। बोले अशोक गहलोत ने मुझे निकम्मा कहा, मेरा लालन पालन ऐसी भाषा के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गद्दार वाले बयान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इतने अनुभवी किसी व्यक्ति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने और राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए मजबूत होकर एकजुट होकर लड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत उन्हें निकम्मा, नाकारा, गद्दार आदि कहते रहे, लेकिन उनका लालन पालन उन्हें इस प्रकार की भाषा के प्रयोग की अनुमति नहीं देता है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने कर डाली बड़ी मांग। कहा केजरीवाल को हत्या की धमकी देने पर मनोज तिवारी को किया जाए गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग के सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज के सुसाइड से बीजेपी के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि गुजरात और MCD चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का चुनावी माहौल बना हुआ है, उससे बीजेपी बुरे तरीके से बौखला गई है। अब बीजेपी अपनी साजिशों और षड्यंत्र से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बना रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि मनोज तिवारी को केजरीवाल की हत्या की धमकी देने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगली बड़ी खबर, शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। कहा सत्ता की खातिर किसी से भी दोस्ती कर सकता है महागठबंधन। ये आपको बता दें कि पूर्व मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की मुलाकात पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सत्ता के लिए किसी से भी दोस्ती कर सकता है। ठाकरे ने पटना में नीतीश कुमार के साथ बैठक की थी, उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शरीक हुए थे। हुसैन ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो लोग बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से एक हाथ दूर रहते थे, वे अब उनसे दोस्ती कर रहे हैं। बिहार के लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन के सदस्य सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? इस बार गुजरात में विधानसभा का चुनाव कौन जीतने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।